Dear students, today we will continue the second stanza of the poem Ode to the West Wind. We have discussed first 10 lines of the poem of this stanza, and now come to the next line. The odors of the dying year to which this closing night will be the dome of a vast sepulchre vaulted with all thy congregated might of vapors. In this stanza, the poet talks about the activity of the west wind in the sky. The odors of the dying year. Now he says that west wind, you are the funeral song. Dirge means funeral song, nritya geet. You are the funeral song of the dying year. जो खत्म हो रहा है, जो बीत रहा है, जो साल जो खत्म होने वाला है, उसका तुम शोक गीत हो, मृत्यु गीत हो. यू आर द फ्यूनरल सॉन्ग ऑफ द ईयर विच इज़ अबाउट टू डाई, विच इज़ अबाउट टू एंड, जो खत्म होने वाला है. टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ अ वास्ट सेपल्चर. वास्ट सेपल्चर मीन्स बरीड प्लेस, अ प्लेस वेयर समवन और समथिंग इज Someone is buried. तो वो कहता है कि यू आर वहन द वेस्ट द डाइंग ईयर विल बी बरीड. जहाँ पर जो स्थान है, जहाँ ये खत्म होने वाला, जो मृत जो वर्ष है, इसको दफनाया जाएगा. तो टू विच उसकी दिस क्लोजिंग नाइट द डार्कनेस, द डार्क नाइट, द डार्कनेस ऑफ द नाइट विच इज प्रिवेल्ड एवरीवेयर, जो अंधकार है इस रात्रि का, विल बी द डोम, वो उसका क्या होगा, गुंबद होगा, उस मकबरे का, उस जिस पर इसको दफनाया जाएगा उसका गुंबद बनेगी. क्या द डार्कनेस ऑफ द नाइट, इस रात्रि का जो अंधकार है वो उस मकबरे का गुंबद बनेगा. वॉल्टेड विद दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट ऑफ वेपर्स. अब क्या होगा, वॉल्टेड विद दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट. कॉन्ग्रीगेटेड माइट मीन्स कलेक्टेड, ओके, माइटी ऑफ वेपर्स, जो वेपर्स, ओके, वेपर्स का मतलब होता है वाष्प, जो बादल है, जिससे वाष्प से बादल बनते हैं, वो जो क्लाउड्स है वो सब क्या होंगे, कॉन्ग्रीगेटेड, कलेक्टेड हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे. एंड दे विल द माइटी एंड पावरफुल क्लाउड्स, कलेक्टेड माइटी एंड पावरफुल क्लाउड्स, जो इकट्ठा होने वाले, इकट्ठा हुए शक्तिशाली जो क्लाउड्स हैं, ओके, वो क्या हैं, वॉल्टेड विद दाई कॉन्ग्रीगेटेड ऑफ पावर्स. वो क्या करेंगे, वॉल्टेड मीन्स रूफ, वो उसकी छत बनाएंगे. उस मकबरे का गुंबद होगा वो अंधेरा, ओके, डार्कनेस, डार्क नाइट, और उसकी रूफ क्या होगी, एंड द रूफ ऑफ दैट वास्ट सेपल्चर विल बी द माइटी ऑफ वेपर्स, जो शक्तिशाली जो बादल हैं, वो इकट्ठा होने वाले जो बादल हैं, वो सब उसकी रूफ बन जाएंगी. और क्या होगा, फ्रॉम हूज, जिससे कि क्या होगा, जब वो बादल इकट्ठा हो जाएंगे, काले बादल जब इकट्ठा हो जाएंगे, then the all the clouds will be collected, they will come and collected, and the dark clouds will collect, and they will make an atmosphere. वो ऐसा atmosphere बनाएंगे, किस type का atmosphere, black rain, fire and hell, and then there will be an atmosphere, fierce atmosphere, एक भयानक atmosphere हो जाएगा, जिससे क्या होगा, and as a consequences, और उसके परिणाम क्या होगा, परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप, black rain, and the rain will कम, रेन विल फॉल, बरसात होगी, एंड फायर एंड लाइटनिंग, थंडर होगी, एंड हेल विल बर्स्ट, और ओली गिरेंगे, ओके. दिट एटमोसफियर द वॉट वॉज, वट इज द कॉन्सिक्वेंसेज, क्या होगा, आफ्टर दैट द रेन विल फॉल, ओके, एंड देर विल बी थंडर एंड लाइटनिंग इन द स्काई, एंड देर द हेल विल बर्स्ट, और ओले गिरेंगे. दैट विल, दिस सीन विल बी क्रिएटेड आफ्टर विद जस्ट ड्यू टू द पावर ऑफ वेस्ट विंड. ये सब वेस्ट विंड की पावर से होगा, और इस तरह का सीन क्रिएट होगा, और इस तरह से जो स्काई में जो कॉमोशन होगा, जो डिस्टर्बेंस होगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेज ये होगा कि रेन होगी, बारिश होगी, और लाइटनिंग और थंडर होगी, और ओले गिरेंगे, ओके. देन ही डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट विंड इन द स्काई. दस ही डिस्क्राइब्स, ही गिव्स अस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्टर्बेंस और द कॉमोशन इन द स्काई विच इज़ क्रिएटेड बाय द वेस्ट विंड. ये सब वेस्ट विंड के द्वारा किया गया है, और जो ये भी जो सिचुएशन बनती है वो उसको डिस्क्राइब करता है. ओ हियर, देन ही सेज, then he again appeals to the west wind. The poet Shelley again appeals to the west wind to hear him, ki west wind usko sune, oh west wind you just listen to me. Wo usse appeal karta hai ki west wind meri baat ko sune, ki
Now come to the third stanza. Thou who didst awaken from his summer dreams, the blue Mediterranean, where he lay lulled by the coil of his crystalline streams, beside a pumice isle in Pelops Bay, and saw in sleep all the palaces and towers, quivering within the waves in turns of day, all overgrown with azure moss and flowers of sweet. Thou who didst awaken from his summer dreams, the blue Mediterranean. The blue Mediterranean means जो सागर है, ocean है, जो blue ocean है. O west wind, when you the west wind blows, जब west wind चलती है, आती है हवा, क्या होता है? The sea, the ocean, जो महासागर है, which is sleeping, जो sleep सो रहा है, during summer, जो summer season में जो भूमध्य सागर जो सोया हुआ रहता है, lulled, he is in sleep, वो बिल्कुल lazy होता है, calm, still and tranquil, वो शांत होता है, तो क्या होता है? Though didst waken, तो ये west wind जब चलती है, तो उसको disturb करती है, उसे जगा देती है, उसकी नींद से, okay? Summer dreams, the blue Mediterranean, जो blue, जो भूमध्य सागर है, जो ocean है, वो उसको क्या करती है? Where he lay, जब ये बिल्कुल शांत रहता है, lulled by the coil of his crystalline stream. Crystalline streams means the water of the ocean is tranquil, calm, still and so clear, crystal clean water. बिल्कुल एकदम साफ पानी होता है क्योंकि there is no upheaval in the water. कोई हलचल नहीं होती during summer season में, तो वो बिल्कुल शांत रहता है. And then west wind blows, और जब west wind चलती है तो ऐसा लगता है मानो वो उसको नींद से जगा देती है. Here the poet personifies the ocean to a man, कि जो जिस तरह से एक व्यक्ति सोता रहता है, उसे हम लोग कभी डिस्टर्ब कर देते हैं तो उसकी नींद से वो जग जाता है, तो इसी प्रकार यहाँ पर जो समर है उसको ये वेस्ट विंड जगा देती है, उसे डिस्टर्ब कर देती है, उसकी नींद से उठा देती है, उसको उसके ड्रीम में डिस्टर्बेंस कर क्रिएट करती है. Beside a pumice isle in Pelops Bay, कि वो जब जो नेपल्स की जो बे है, खाड़ी है, वहाँ पर जो एक pumice जो आइलैंड है, वहाँ पर ये सब जो भूमध्य सागर है, वहाँ पर ये आराम से सोता रहता है समर में, और ये वेस्ट विंड इसको डिस्टर्ब कर देती है, और वो समर में ड्रीम्स भी देखता है, स्वप्न में उसको जो डिस्टर्बेंस होता है वो क्या देखता है सपने में? साइन स्लीप ओल्ड पैलेसेज इन टावर्स, वो एंशियंट पैलेसेस को देखता है, महलों को देखता है, टावर्स और टावर्स को देखता है. क्यूरिंग विद इन द वेव्स इन टर्न्स ऑफ डे, मानो जैसे वो अर्थ क्वेक से कभी गिर गए हों और उस ओशियन में जाकर समा गए हों. ठीक है, कभी कोई भूकंप आया हो तो उसकी उथल पुथल से वो सब टूट गिर गए हों, और उसके जो अंडर और बिलो अंडर द ओशियन, उस ओशियन में समा गए हों, उनके बारे में वो सोचता है. ऑल ओवर ग्रो विद अज्योर मॉस एंड फ्लावर्स, अब क्या होता है? ऑल ओवर ग्रो, अब उनके ऊपर क्या है, वो सब समा गए हैं उसमें, एंड ऑल उनके ऊपर ओवर ग्रो बढ़ गई हैं, एज्योर मॉस एंड फ्लावर्स, उसके ऊपर काई जम गई हैं, छोटे छोटे प्लांट्स उग गए हैं, उसमें फ्लावर्स आ गए हैं, और सो स्वीट द सेंस फ्रेंड्स पिक्चर्स देम, एंड दीज फ्लावर्स आर सो स्वीट, उनकी जो फ्रेग्रेंट है इतनी स्वीट है, द सेंस फ्रेंड्स पिक्चर्स देम, व्हेन द पोएट थिंक्स अबाउट द सीन ऑफ दैट फ्लावर्स और द वेजिटेशन और द प्लांट्स, जब उस प्लांट्स के बारे में उनकी सोचता है, देयर कम्स अ पिक्चर ऑफ दीज फ्लावर्स बिफोर हिम, उसके सामने उनकी पिक्चर आ जाती है, एंड हिज सेंसेस बिकम्स वेरी बिकम इन सेंसेस बिकम एक्टिव, तो उनके सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं, और ऐसा लगता है मानो वो जो उसकी सेंस है, उसकी जो फ्रेगरेंस है, वो उसको फील कर सकता है. ठीक है, देयर इज अ सेंसुअसनेस, द पोएट इज टॉकिंग, वी कैन टॉक अबाउट सेंसुअसनेस हियर, क्योंकि यहाँ एक सेंसुअसनेस है कि वो सोच रहा है, उसको पिक्चर्स उसके सामने आ रही है, और जो फ्रेगरेंस है शायद वो उसे फील कर सक रहा है, उसकी नोज़ में वो फ्रेगरेंस आ रही है, जो वो जिसके बारे में वो यहाँ पर बात कर रहा है. Thou for whose path the Atlantic's level powers cleave themselves into chasm. अब वो कह रहा है, thou west wind for whose, तुम्हारे लिए, the Atlantic's level, जो Atlantic जो महासागर है, path, वो रास्ता बना देता है. ठीक है, तुम्हारे लिए वो रास्ता बना देता है, क्लीव देमसेल्फ इनटू चास्म, कि जब व्हेन यू द वेस्ट विंड ब्लोज, जब वेस्ट विंड कम्स आती है एंड ब्लोज, जब हवा चलती है, तो क्या होता है, अटलांटिक, ऐसा लगता है मानो जो जो महासागर है, जो ओशन है, वो भी उसको जाने के लिए, गुजरने के लिए रास्ता बना रहा है. While far below the sea blossoms and ozy woods which wear the cypress foliage of the ocean, okay,
सी ब्लूम्स है, वहाँ पर काफ़ी सारे फ्लावर्स उगे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स उगे हैं, वेजिटेशन हो रहा है काफ़ी सारे कुछ प्लांट्स में। तो वो बताता है कि वो सीन डिस्क्राइब करता है कि व्हाट इज़ द सीन अंडर और ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन। दाई वॉइस एंड सडनली ग्रो ग्रीन।